एक समय की बात है दोस्तों, एक बार एक युवा ब्राह्मण को पूरे जगत को वश में करने का मंत्र मिल गया। एक दिन जब वे इस मंत्र का जाप कर रहे थे, तभी सबदत्त नाम के एक सियार ने भी वह मंत्र सुन लिया। मंत्र की सहायता से सियार ने जंगल के सारे पशु पक्षियों को अपने वश में कर लिया और वहाँ का राजा बन गया। एक दिन वह शहर में घुसा, उसके साथ दहाड़ मारते शेर थे। वह शेर पर बैठा था और वह शेर हाथियों पर खड़ा था। बोधिसत्व ने सबसे अपने अपने कान बंद कर लेने को कहा ताकि शेर की दहाड़ उन तक ना पहुंच जाए। सारे शेर दहाड़ों से पृथ्वी तक को हिलाने लगे। डर के मारे हाथियों ने शेर को अपनी पीठ से गिरा दिया। सब दस यार के नीचे भी गिर गया और हाथियों के पैरों के नीचे दब गया। जो अपनी शिक्षा को गलत काम में प्रयोग करते हैं, वो खुद को हानि पहुंचाते हैं।